अपने एक भक्त की जान बचाने के लिए नीम करोली बाबा खुद साक्षात स्वर्ग लोक में पहुंच गए। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे से डिफरेंट से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने नीम करोली बाबा के एक ऐसे चमत्कार की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर बहुत सारे लोगों को तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच बता रहा हूं, एक ऐसी घटना है जिसके साथ घटी होगी ना वो इस घटना के बारे में फील कर सकता होगा, एक्सपीरियंस कर सकता होगा कि क्या था वो। दरअसल बिना ज्यादा बात घुमाए आप लोगों के सामने डिटेल में सब कुछ बताना शुरू करता हूँ। जिन लोगों को नीम करोली बाबा के बारे में ज्यादा नहीं पता है उन लोगों को थोड़ा शॉर्टकट में बता दूं कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के माने जाते हैं सबसे बड़े भक्त। माना जाता है कि नीम करोली बाबा ऐसे एक चमत्कारी बाबा थे जिनके ऊपर साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद था, जिनको हनुमान जी ने खुद दर्शन भी दिए थे कई बार। माना जाता है कि नीम करोली बाबा का जो कैची धाम मंदिर है वहां से कोई भी इंसान खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटता है। बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, यहाँ तक कि मार्क जुकरबर्ग, यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी बाबा के सामने नतमस्तक हुए हैं और उनके चमत्कार को और उनके आशीर्वाद को सच्चे दिल से माने भी है दोस्तों। दरअसल ये वही नीम करोली बाबा है जिन्होंने कितने सारे लोगों को मरते मरते जिंदा कर दिया है। आज की ये घटना भी कुछ इसी प्रकार की है, मनोज यादव नाम के एक लड़के से जुड़ी हुई है। मनोज यादव नाम का लड़का, सन 2013 की बात कर रहा हूं मैं, सन 2013 में मुंबई शहर का अपना रुख मोड़ता है। ये बिहार का रहने वाला एक लड़का था, ये अपने माता पिता के साथ अपना जीवन बहुत अच्छे से काट रहा था। एक दिन इसके माता पिता किसी एक शादी में गए हुए थे। ये थोड़े गरीब परिवार के लोग थे, इनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, जैसे तैसे करके इनकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। मनोज ने अपना 12th पास कर चुका था, सब कुछ अच्छा था। एक दिन इसके माता पिता के पास एक शादी का न्योता आया, ये लोग शादी में गए हुए थे, अब शादी से लौट रहे थे, थोड़ा दूर कहीं गांव में थी शादी, लौट रहे थे तो जिस जीप में ये लोग बैठे हुए थे ना वो जीप खाई में गिर गई और ऑन द स्पॉट मनोज यादव के माता पिता की मृत्यु हो गई। ये पूरी तरीके से अकेला पड़ गया, कोई भी रिश्तेदार इसके पास नहीं आए। मतलब इसको ऐसा नहीं किया कि बेटा यार तेरे मम्मी पापा ख़त्म हो गए हम तुझे संभालेंगे, क्योंकि ये लोग गरीब थे, इसका साथ किसी ने भी नहीं दिया, ये पूरी तरीके से अकेला पड़ गया। इनका घर भी ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं था कि बेचेगा तो बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, मतलब कच्चे घर में रहते थे। तो इसने सोचा कि घर में ताला लगा देता हूँ और मैं एक बड़े शहर में जाता हूँ। इसके दोस्तों ने इसे सलाह दी है कि बड़े शहर में जा, मुंबई दिल्ली जा, वहाँ पर जाके पैसे कमा, जॉब वॉब अच्छी मिल जाएगी, वहाँ पर सेटल हो जा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे तेरा कोई अपना नहीं, तूने देख लिया ना। तो मनोज ने अपने दोस्तों की बात माना, अपने घर में ताला लगाया, बेचा बाचा नहीं, ताला लगाया और निकल लिया मुंबई। जितनी भी उसके घर में सेविंग एविंग रही होगी, सोना चांदी थोड़ा बहुत रखा रहा होगा, लोग रखते तो हैं यार अपनी जमा पूंजी, हाँ उसके माता पिता ने भी रखे हुए थे, वो लिया और मुंबई शहर का रुख मोड़ लिया। वहाँ पर उसे एक किस्मत से, एक जैक के थ्रू, एक फ्रेंड के थ्रू समझ लो, एक पीजी में घर मिल गया। रेंट था 2500 रुपये, रेंट मतलब पुरानी बात कर रहा हूँ ना, 10 साल हो गए तकरीबन। तो वहाँ पे 2500 रुपये में इसको पीजी में मीरा रोड के एरिया में बढ़िया घर मिल गया। अब वहाँ पे जो पीजी वाले लड़के थे बेचारे मदद करने वाले, वो भी तो अपने घर बार को छोड़ के आए हुए हैं, तो मदद करने लगे मनोज की। अब उनकी मदद से उसे गोरेगांव स्थित एक कॉल सेंटर में बढ़िया सा एक जॉब मिल गया। वो वहाँ पे एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव लग गया, वहाँ पे मस्त जॉब करने लगा। अब उसकी लाइफ थोड़ी ट्रैक में आने लगी, वो अपनी चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहा था, वो इस चीज़ों को मतलब अपने जहन से निकालने की कोशिश कर रहा था कि मेरा इस जीवन में कोई नहीं है। उसके यहाँ पर नए नए दोस्त बने, किसी से बहुत अच्छे रिश्ते भी बने, कुछ भाई जैसे लोग भी मिले, कुछ बहन जैसे लोग भी मिले। फिर उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है उसी कॉल सेंटर में एक लड़की से, जो लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और बहुत ही ज़्यादा समझदार थी, मतलब एक मैच्योर्ड लड़का। अब मनोज मैच्योर्ड हो चुका था, इस घटना को अब 2 साल बीत चुके थे, मनोज मैच्योर्ड हो गया था और मैच्योर्ड लड़का जिस तरह से एक लड़की को चाहता वही लड़की थी प्रियंका। प्रियंका से उसे प्यार हो जाता है और प्रियंका भी उसे चाहने लगती है। मनोज अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें उसे बताता है और प्रियंका को भी उसके ऊपर काफ़ी हमदर्दी आती है और दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन बन जाता है। कमाल की बात यह है कि प्रियंका के घर वाले भी बहुत ज़्यादा समझदार थे और वो ये देखते हैं कि बेटा ठीक ठाक कमा लेता है, मतलब उनका होने वाला दामाद, तो अपनी बेटी की शादी मनोज से करवा देते हैं।
अब वो जो पीजी में रहता था वो पीजी से हट के बढ़िया अपने वन आरके के रूम में आ गए थे। प्रियंका भी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली की नहीं थी, वो भी लोअर मिडिल क्लास की थी। ऐसा बढ़िया शादी हो जाती है इन लोगों की, वन आरके रूम में रहने लगते हैं इन लोग मलाड में, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। फिर एक दिन की बात है, ये ना जो प्रियंका थी ना, प्रियंका एक तरीके की एथलीट थी, मतलब ऐसा होता है ना, मतलब ऐसा कोई इंटरनेशनल में ऐसा या नेशनल में दौड़ी वौड़ी नहीं थी, लेकिन इसका एक ऐसा शौक था ना कि वो डेली रनिंग में जाती थी। बस ऐसे एक शौक था, वो शौक में ना डेली सुबह उठ के रनिंग में जाया ही करती थी, उसका ये नियम था। तो एक दिन की बात है, इसी तरह से वो जब इनकी शादी हो गई थी उसके कुछ दिनों बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ना उनके घर के पास एक ग्राउंड मैदान जैसा था, वहाँ पे बढ़िया रनिंग करने गई हुई थी। रनिंग कर रही अचानक से इसके सामने ना एकदम ऐसा काला काला कुछ अंधेरा सा आया और ये अपना सुदबुद होके ज़मीन में गिर गई। अब पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे दौड़ने जा रही थी, तो वहाँ पे आसपास के लोगों से पहचान हो गई थी, लोग आते ना रेगुलरली, वो पहचान गए, अरे प्रियंका गिरी है। तुरंत ही मनोज को फ़ोन लगाए, थोड़ा दोस्ती यारी हो जाती है ऐसे, है ना, डेली मिलते हैं। तो मनोज को फ़ोन लगाया, मनोज को बुलाया, किस्मत से मनोज उस समय ऑफिस के लिए निकला नहीं था उस समय, मतलब प्रियंका की नाइट शिफ्ट थी उस दिन और उसकी डे शिफ्ट थी, तो मनोज अपनी जॉब के लिए निकला नहीं था। उसको फ़ोन आया, बोला ऐसा ऐसा हो गया भाई, अब जल्दी आ जाओ यहाँ पे मैदान में। वो आया, देखा कि प्रियंका को पानी वानी पिला रहे, वो होश में नहीं आ रही, वो घबरा गया। अब वो पास में एक स्थित डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन और बॉटल वाटल लगाया, बोले बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, लगाए और उसे घर पे लेके आ गए। लेकिन वो उस दिन मनोज ने अपना क्या छुट्टी ले ली, ऑफिस गया नहीं, बोली तबीयत ख़राब हो गई यार, पत्नी कैसे कैसे चले जाऊँगा। अब वो पूरा दिन ऐसे ही गया, मतलब उसकी जो पत्नी जो बिस्तर से उठ भी रही थी ना तो गिर जा रही थी, तो मनोज थोड़ा डर गया, बोले ये दिन भर से हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, ग्लूकोज भी लगा है और खाना वाना भी खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसको वोमिटिंग हो जा रही है, और मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई आज के दिन। तो उसने सोचा कि कल किसी अच्छे डॉक्टर के पास बाहर लेके जाता हूँ अंधेरी के इलाके में। तो किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास अगले दिन लेके जाता है, डॉक्टर को समझ में नहीं आता है, वो भी थोड़ी एनर्जी प्रोटीन विटामिन की दवाई दे देता है, उससे भी आराम नहीं मिलता है। एक हफ्ते अब बीते, अब उसकी जो तबीयत है ना वो दिनों दिन बिगड़ती चली गई। अब मनोज करे भी तो क्या करे, तबीयत यहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो गई थी पत्नी की, और पत्नी की जॉब भी अब ख़त्म हो चुकी थी, इतने दिनों से वो जॉब नहीं जा पा रही थी, और कॉल सेंटर वाले इतना ज़्यादा मैनेज नहीं करते नॉर्मली, मैं आप लोग को बताऊँ तो। अगर आप लोग कॉल सेंटर के बारे में जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, मनोज जैसे तैसे करके अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैनेज कर ही रहा था कि उसी दौरान एक डॉक्टर ने इन्हें सजेस्ट किया कि आप लोगों को एक सोनोग्राफी वगैरह करवानी चाहिए, हाँ सीटी स्कैन वगैरह कराना चाहिए। अब उसे कराई जाती है जांच, तो पता चलता है कि लड़की को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। मतलब ये एक ऐसी खबर थी जिस खबर की वजह से दोनों के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। मनोज खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे समझाए, यहाँ पे उसकी पत्नी प्रियंका के दोस्तों ने भी समझाया कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रियंका जो थी ना बचपन से ही, एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बचपन से ही नीम करौली बाबा की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, बहुत बड़ी, मतलब घर में भी नीम करौली बाबा की फ़ोटो लगाई हुई है, मतलब जिस प्रकार से वो भगवान को पूछती थी सेम टू सेम वैसा ही दर्जा प्रियंका ने नीम करौली बाबा को दी हुई थी। तो प्रियंका को कहीं ना कहीं अभी विश्वास था कि नीम करौली बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, जब भी वो परेशानी की सिचुएशन में होती थी बाबा का नाम ज़रूर लेती थी और वो उस परेशानी से बाहर निकल जाया करती थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबा ने अपना देह त्याग 1973 में ही कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी बाबा की ख्याति इस दुनिया में कम नहीं हुई है, उल्टा और भी ज़्यादा बढ़ गई है ये कहें तो। अभी ये प्रियंका के मन में भी ऐसी था कि बाबा इसी प्रकार से जैसे सबकी परेशानी ठीक करते हैं हमेशा से, मेरी परेशानी भी ठीक करेंगे। कई बार बाबा उसे सपने में भी दिखाई देते और आशीर्वाद देते और बोलते कि बेटे सब कुछ ठीक हो जाएंगे, तो इतना ज़्यादा मत घबरा, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो इस वजह से प्रियंका के मन में एक वो भी था, लेकिन जब भी बात वो अपने पति को ये बताती कि बाबा ऐसे सपने में आए, तो उसे ऐसा लगता कि ये बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में लीन रहती है नीम करौली बाबा के, तो इसलिए इसके दिमाग में इल्यूजन पैदा हो रहा है, इसके दिमाग का ये वहम है, सचमुच में बाबा तो सपने में नहीं आएंगे और ऐसा बोलेंगे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर ऐसा होता तो इसकी तबीयत में सुधार आता ना, इसकी तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है। अब क्या होता है, एक दिन की बात है दोस्तों, इसे ना कोई सजेस्ट करता है कि ये ना एक बहुत बड़ी भक्त है बाबा की, तो एक बार इसे ना एक बार ऐसा नीम करौली बाबा का जो कैची धाम वाला मंदिर है ना वहाँ पे लेके जाओ। हो सकता है कि यार ऐसा हमारा होता है ना, अंदर की एक विल पावर होती है, उसकी वजह से भी ना हमारी काफ़ी सारी परेशानियाँ ठीक हो जाती है,
हो सकता है कि ये बाबा की कैची धाम जाएगी तो इसके विल पावर की वजह से इसे ऐसा महसूस होगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी और हो सकता है इसकी तबीयत में सचमुच में सुधार आने लगे। तो इसका पति यही करता है यार अपना मनोज, उसको नीम करोली बाबा के कैची धाम लेके जाता है, नैनीताल में स्थित है, वहाँ पे ले जाते तो मनोज के मन में भी थोड़ी ठंडक आती है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक होगा, प्रियंका को भी ऐसा लगता है। लेकिन जब लौट ही रहे थे ये लोग, ये मतलब अपने घर पहुँच रहे थे ना अपनी ट्रेन से उतर के, तो रास्ते में बेहोश हो गई थी। अब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब, रास्ते से ही घर ना जाके उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने बोले कि इतने इतने पैसे लगेंगे, पैसे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मनोज काफ़ी दिनों से पैसे का इंतज़ाम कर रहा था, मनोज को पता था ये दिन ज़रूर हमारे सामने आएगा और मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो किस्मत से इसने चीज़ों को मैनेज कर लिया था, इसके दोस्त मददगार थे, हाँ मतलब ये थोड़ा समझदार लड़का था तो इसको थोड़ी हेल्प मिल गई थी, तो इसने बोल दिया ठीक है ऑपरेशन करने के लिए हम तैयार हैं। अब डॉक्टर ने एक चीज़ बोल दी कि देखो गारंटी नहीं है कि हम बचा पाएंगे आपकी वाइफ को, तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन कोई ऐसा वो भी नहीं था दूसरा ऑप्शन। अब उसे ले जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन शुरू होता है, ऑपरेशन शुरू हुआ है और लड़की की सांसें रुक गई। जो मशीन दिख रहा होता है ना, मशीन में आता है ना वो ऐसी लाइनें आती, वो सीधी हो गई, मतलब डॉक्टर लोग घबरा गए, बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसकी हो गई है, डेथ हो गई है, बाहर जाके बोलना पड़ेगा इसके पति को। डॉक्टर लोग सब उदास थे, वो लोग देख रहे थे कि बेचारे कैसे यंग कपल से, यार क्या उम्र थी मतलब लड़की की, ऐसे जा ही रहे होते हैं कि अचानक से लड़की को ऐसी सांस आती है, लिटरली सांस आती है, और वो घबरा जाते हैं, लौटते हैं, मतलब बिना बताए बाहर से लौटते हैं, ऑपरेशन वगैरह शुरू करते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल, जितने भी घंटे, बहुत टाइम का ऑपरेशन था, ऑपरेशन सक्सेसफुल, मतलब ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन अचानक से ऐसी सांस आई कुछ देर बाद और फिर उसके बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल। ये पूरी तरह से मतलब जो होता है ना एक तरीके से नॉर्मलाइज होना, इसको 15 से 20 दिन लग गए। 15 से 20 दिन बाद प्रियंका ने अपने पति को एक ऐसी बात बताई जिस घटना की वजह से मतलब उसने तुरंत ही अपनी वाइफ के सामने रो दिया। मतलब क्या घटना थी पता है आप लोगों को? उसकी सांसें रुक गई थी। वो बोली कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बेड में क्या मुझे मालूम ही नहीं, जब हम ऑटो से लौट रहे थे उसके बाद क्या हुआ, बस इतना महसूस हो रहा था कि मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, लोग आसपास है। उसके बाद बोली क्या हुआ पता है, मुझे एक झटका सा लगा, मुझे ऐसा झटका लगा ना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उड़ने लगी हूँ, मेरा शरीर उड़ने लगा है और मैं उड़ते उड़ते अंतरिक्ष में चली गई हूँ। उसने ये बताया लिटरली, चारों तरफ बहुत ठंडक है और यह अंतरिक्ष जैसा है, ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने आंखों से साफ साफ देख पा रही हूँ। फिर मुझे एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और मैं बहुत दूर पहुँच गई। अब वो जो मुझे नीचे दिखाई दे रहा था सब कुछ, वो मुझसे काफ़ी दूर था। फिर एक और धमाका सुनाई दिया, फिर मैं और दूर पहुँच गई, फिर और दूर पहुँची, फिर और दूर पहुँची, ऐसे करते करते 5 धमाके सुनाई दिए और फिर लिटरली इतना घोर अंधकार हो गया कि कुछ महसूस नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, ना मेरी कॉन्शियसनेस थी, ना मैं बची थी और ना ही मेरी सांसें थी, ना ही शायद मेरा शरीर था, ना ही किसी भी तरह का वातावरण था, मतलब कुछ भी नहीं। वो एक शून्य में पहुंच गई थी। प्रियंका ने अपने पति को ये बताई कि मैं एक शून्य में पहुंच गई थी। उसी समय मुझे एक आवाज़ सुनाई थी जो मुझे पता है मेरे बाबा की थी, नीम करोली बाबा की। उन्होंने लिटरली ये बोले हैं कि इसे यहाँ पर क्यों लेके आए हो, मैं कह रहा हूँ इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, इसको भी वक्त है। और फिर अचानक से मुझे एक झटका सा फील हुआ और मैंने ये पाई कि मैं ऐसे ऑपरेशन थिएटर में हूँ और कुछ हड़बड़ाते हुए एक दो डॉक्टर मेरे पास आए हैं। बस उसके बाद वापस से मेरी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी चली गई। उसके बाद जब मैं अभी होश में आई तो मैंने ये पाई कि ऑपरेशन शायद कंप्लीट हो चुका है और तुम मेरे सामने हो। जैसे ये बात उसके पति ने, मनोज ने सुना, वो हक्का बक्का रह गया। मतलब ये क्या था, वो क्या फील की थी उसने? अभी तक तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ मेरी पत्नी का इल्यूजन है, बाबा दिखाई देते हैं, बाबा की आवाज़ आती है, सपने में बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज जो उसने घटना बताई, जो उस दिन ऑपरेशन थिएटर में हुई थी, वो क्या थी? मतलब कैसे हो सकता है कि एक लड़की मर गई थी लिटरली, वो अंधकार में जा चुकी थी, वो सब कुछ बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है और उसे बाबा की आवाज़ सुनाई दी कि वापस लौटा दो, इसके पास थोड़ा और समय है, मैं कह रहा हूँ ना इसे जाने दो, और फिर उसके बाद उसकी सांसें भी आ गई। मतलब ये क्या था,
ये किस प्रकार का चमत्कार था? ये एक अलौकिक चमत्कार था दोस्तों। मेरे भी ये कहानी पढ़ते हुए, ये सुनते हुए, सुनाते हुए रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मनोज के कॉल सेंटर में काम करने वाली एक फ्रेंड अभिषेक ने दी। मतलब क्या था ये, बहुत ही ज़्यादा अनोखा था। अब मैं इसके ऊपर किस प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया दूँ, किस प्रकार का रिएक्शन दूँ, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सच में जो भी था बहुत बहुत अलग था। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी, ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, जानकारी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से कल बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।